अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एसएन महमूद एंड वेलकम टू ज़ायंस। इस वीडियो में हम WinRAR की इंस्टॉलेशन का प्रोसेस देखेंगे और उसकी बेसिक यूजेज का प्रोसेस देखेंगे। तो इस वीडियो में जो हम पॉइंट्स कवर करेंगे वो ये है। सबसे पहले हम WinRAR को डाउनलोड करेंगे और उसको विंडोज पे इंस्टॉल करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आर्काइव जो कॉम्प्रेस्ड फाइल होती है उनको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जा सकता है और उस तरह की हम आर्काइव फाइल बना कैसे सकते हैं। उसमें हम दो मेन फाइल टाइप्स को डिस्कस करेंगे, RAR फाइल को और ZIP फाइल को। उसके बाद हम देखेंगे कि इस तरह की फाइल पे आप पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं ताकि अगर कोई सिक्योर डाटा है जो मेन कॉन्फिडेंशियल डाटा है जो आप हर किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि जिसके पास पासवर्ड हो सिर्फ वही वो डाटा देख सके, तो आप उन फाइल को पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जब इस टॉपिक पे हम बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आप पासवर्ड्स को WinRAR के सॉफ्टवेयर में ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं ताकि आपको हर दफा पासवर्ड को शुरू से ना लिखना पड़े। उसके बाद हम देखेंगे कि आप अगर आपके पास एक बड़े साइज की फाइल है 1 GB की या 10 GB की, तो आप उसको छोटी साइज की फाइलों में किस तरह जिप कर सकते हैं ताकि आपके लिए शेयर करना आसान रहे। और लास्टली हम देखेंगे कि WinRAR में आप एक कस्टम प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं ताकि जब आप कोई सेटिंग कस्टमाइज रख के आर्काइव बनाना चाहें तो वो सेटिंग आपको हर दफा बार बार सेट ना करनी पड़े। आप एक प्रोफाइल उसकी बना लें और जब नेक्स्ट टाइम आप उसी सेटिंग के साथ नई आर्काइव बनाना चाहें आप सिर्फ वो प्रोफाइल सिलेक्ट करेंगे और आपकी जो भी आपने सेटिंग सेट की होगी वो वहां पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। तो ये पॉइंट्स हैं जो हम आज की वीडियो में कवर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। WinRAR को डाउनलोड करने के लिए आप गूगल क्रोम को ओपन कर लें या कोई भी वेब ब्राउजर ओपन कर लें और वहां पे WinRAR लिख के सर्च करें। ये फर्स्ट वेबसाइट है आपके पास WinRAR, इसके या तो यहीं पे डाउनलोड कर लें या फिर डाउनलोड पे डाउनलोड कर लें। यहां सामने ही आपके पास बटन है डाउनलोड WinRAR, इस पे आप क्लिक करें। डाउनलोड के बटन पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहां से आप स्क्रॉल डाउन करें और यहां पे फ्री वाले बटन पे क्लिक कर दें डाउनलोड WinRAR। हमने बाय नहीं करना, हमने डायरेक्ट डाउनलोड करना है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लिक हियर पे और ये डाउनलोड, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में फ्री डाउनलोड मैनेजर को सेटअप किया था तो आप देख सकते हैं उसने ऑटोमेटिकली पिकअप कर लिया। मैं यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक करूंगा और ये छोटा सा सेटअप है 3 MB का, तो होपफुली ये जल्दी फिनिश आउट हो जाएगा। ओके, जब तक ये फिनिश हो रहा है मैं डाउनलोड का फोल्डर ओपन कर लूंगा और ये फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो रही है। ये डाउनलोड हो चुकी है। डाउनलोड होने के बाद जैसे कि हमने लास्ट और ऑलमोस्ट हर एक सॉफ्टवेयर की विंडोज पे जो इंस्टॉलेशन होती है उसका तरीकाकार यही होता है कि आप उसकी exe, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है विंडोज इंस्टॉलर की, उस पर डबल क्लिक करें या फिर एक तरीका जो मैंने और बताया था राइट क्लिक करके ओपन कर लें। सिंपल ओपन करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं करना। और यहाँ पे जो आपके सामने एडमिन अलर्ट आता है उसको यस कर देना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने करना है यहाँ पे। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिर्फ और सिर्फ अगर आप डेस्टिनेशन फोल्डर चेंज करना चाहते हैं तो इसको चेंज कर दें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको ना चेंज करें अंटिल अनलेस कि आप मतलब कि थोड़े एडवांस यूजर हो गए और मतलब आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो इसको एज इट इज ही रहने देंगे और इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इसकी इंस्टॉलेशन है, बस यहाँ पे भी किसी सॉफ्टवेयर मीन ऑप्शन को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में भी इसका आइकॉन आ जाए तो आप सिर्फ और सिर्फ ये वाला बटन क्लिक कर देंगे, ये जो चेक बॉक्स है इसको चेक कर देंगे एड WinRAR टू स्टार्ट मेन्यू। अगर आप चाहते हैं कि इसका डेस्कटॉप पे भी आ जाए तो आप सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर वाला जो चेक बॉक्स है उसको भी चेक कर देंगे। मैं इसको ओके करूंगा और इसी के साथ WinRAR सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। डन करूंगा तो WinRAR अपनी इंस्टॉलेशन के बाद ये एक फोल्डर जहां पे ये इंस्टॉल हुआ था तो उसको ओपन करता है, आप सिर्फ इसको क्लोज कर दें। WinRAR सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे भी आप देख सकेंगे WinRAR लिख के सर्च करूंगा तो यहाँ पे भी आ रहा है। और अगर मैं विंडो प्लस डी दबाता हूँ सारी जो विंडोज है जो ओपन हुई थी उनको मिनिमाइज करने के लिए, तो आप देख सकते हैं WinRAR का शॉर्टकट यहाँ पे भी एड हो चुका है। ओके, मैं फिर विंडो प्लस डी दबाऊंगा ताकि जो विंडोज मिनिमाइज हुई थी वो अनमिनिमाइज हो जाए या रिवील हो जाए, रिस्टोर हो जाए। और अब हम इस स्टेप को अपने इसको हम कर देंगे क्लियर आउट कि ये हमने कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करेंगे।
नेक्स्ट स्टेप हमारा है एक्सट्रैक्ट अ आर्काइव। तो बेसिकली क्योंकि मेरे पास अभी कोई आर्काइव है नहीं है, तो मैं सबसे पहले एक आर्काइव बना लूंगा यहाँ पे। इस स्टेप को हम नेक्स्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक क्विक वे के साथ बना रहा हूँ। तो इस तरह की या तो आर आर की एक्सटेंशन की फाइल आपके साथ मेनली शेयर होगी, या फिर जो और भी जो आर्काइव्स होंगी मीन जिप फाइल। मेनली जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ वो जिप है, और रिकमेंड भी यही करता हूँ क्योंकि मैक ओएस में जिप बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है। मीन के जिप की जो फाइलें होती हैं वो वहां पे एक्सट्रैक्ट भी हो जाती हैं, कंप्रेस भी हो जाती हैं। आर आर टाइप की जो फाइल है मैक ओएस में उसका कोई सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट नहीं है जो उसको एक्सट्रैक्ट कर सके। विंडोज में भी जो है जिप फाइल वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट एक्सट्रैक्ट की जा सकती है। आर आर के लिए आपको ये विन आर आर करना पड़ता है, और ऑब्वियसली जिप बनाने के लिए भी विन आर आर, इसलिए हम ये करें। तो मैं अब जिप यहां से सिलेक्ट करूंगा, ये हम नेक्स्ट प्रोसेस में मैं डिटेल से कहूंगा, अभी मैं सिर्फ इसको बना रहा। तो ये देखें आपके पास दो फाइलें, दो टाइप की फाइलें बन गई हैं, और इस वीडियो में हम सिर्फ इन दो फाइलों टाइप की फाइलों को भी डिस्कस करेंगे, एक जिप और एक आर आर। दोनों टाइप की फाइलों को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका सेम है। आप राइट क्लिक करें किसी भी एक फाइल पे जिसको आप एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, और आपके पास दो ऑप्शन है, एक्सट्रैक्ट फाइल्स एंड एक्सट्रैक्ट हेयर। अगर मैं एक्सट्रैक्ट हेयर कर देता हूं तो जो करंट फोल्डर जहां पे ये फाइल पड़ी हुई है, इसका जो भी कंटेंट इसके अंदर है वो इस फोल्डर में एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। मैं राइट क्लिक करता हूँ, एक्सट्रैक्ट हेयर करता हूँ, तो यहां से ये बेसिकली कह रहा है कि इस लोकेशन पे ये फाइल ऑलरेडी, ये जो क्योंकि हमने इसी लोकेशन से इस फाइल को जिप किया है या आर आर बनाया, तो इस वजह से वो फाइल यहाँ पे है। मैं चाहूं तो इसको रीनेम कर सकता हूँ, रीनेम कर देते हैं। अगर यस करूंगा तो बेसिकली वो इसको कर देगा ओवरराइट, रिप्लेस द एग्जिस्टिंग फाइल। नो करूंगा तो ये जो एक्शन है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन कि ये फाइल स्किप कर दी जाएगी, क्योंकि इस जो आर आर की जिप फाइल है, सॉरी आर आर की कंप्रेस आर्काइव फाइल है, इसमें सिर्फ एक ही फाइल है। तो अगर मैं नो करूंगा तो ये एक्शन बस खत्म हो जाएगा, क्योंकि नो फाइल टू एक्सट्रैक्ट, बस यही एक थी। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, एक्सट्रैक्ट हेयर करता हूँ और रीनेम कर देता हूँ टू। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये टू फाइल आ गई। लास्टली एक जो एक्सट्रैक्ट फाइल्स का ऑप्शन है या फिर एक्सट्रैक्ट टू, ये जो उसने जो इस फाइल का नाम था डेमो टी एस फाइल डॉट जी एफ, उसमें से सिर्फ एक्सटेंशन हटा दिया और उसको कह रहा है कि मैं ओके इसका एक फोल्डर बना देता हूँ इस फाइल के नाम के साथ, और उसमें जो इसका इस जिप का जो कंटेंट है उसको उसके अंदर एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये उसने एक फोल्डर एग्जैक्टली इस जो आर्काइव फाइल है उसका जो नाम था उसके नाम का फोल्डर बना दिया, और उसमें इसका जो कंटेंट था अंदर वाला जो जिप हुआ हुआ है, जो आर कंप्रेस हुआ हुआ है, उसको इसके अंदर एक्सट्रैक्ट कर दिया। तो ये दो तरीके थे एक्सट्रैक्ट करने के। एक जो चीज जो हम लास्ट में जो पासवर्ड का सेक्शन डिस्कस कर लेंगे तो तब डिस्कस करेंगे कि अगर कोई पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी तो आपको उसका पासवर्ड पता होना चाहिए, जिससे फाइल ली है वो आपको पासवर्ड भी बताएगा, तब ही आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे, अदरवाइज आप उसका कंटेंट नहीं देख सकते। अभी के लिए मैं इनको डिलीट करने लगा हूं। ये था तरीका स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सट्रैक्ट करने का। और लास्टली अब नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं अपने इस पॉइंट पर, हम कर देंगे कि ये डन हो चुका है और नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करेंगे। अब आर्काइव बनाने का तरीका, इसको हम अब डिटेल में देखेंगे कि एक आर्काइव बनती कैसे। आप जिस भी फाइल को या फाइल्स को या फोल्डर को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने जितनी भी फाइल्स या फोल्डर आर्काइव करने हो उनकी एक कंप्रेस फाइल बनानी हो, आप एक मीन के एक रैपिंग फोल्डर बना लें पहले, जिसमें कि आप वो सारे फोल्डर्स और फाइल्स रख लेंगे, आपके लिए आसानी होगी। मैं इसको कह देता हूँ फाइल्स टू कंप्रेस, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं ओके। और उसमें अब मैं जो भी चीज रखना चाह रहा हूं, मैं ये सिर्फ तीन चीजें रख देता हूँ ताकि जरा फाइल का साइज ज्यादा ना हो और कंप्रेसिंग में टाइम ना लगे। इसमें फोल्डर भी बना सकते हैं हम, कुछ भी कर सकते हैं, कोई मीन नहीं है। रैप करने का सिर्फ और सिर्फ इसलिए कह रहा हूं ताकि आपके लिए मैनेज करना आसान रहे, सिलेक्ट करना। अब आपको पता है कि मैंने सिर्फ इस फोल्डर में मैंने वो सारी चीजें रख ली हैं जिनको मैंने कंप्रेस करके एक जिप या आर आर फाइल बनानी थी आर्काइव की। अब मैं सिर्फ और सिर्फ इस फोल्डर को क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा
एड टू आर्काइव। जब आप राइट क्लिक करके एड टू आर्काइव को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जो ऑप्शंस आप सेट कर सकते हैं, आप जो आर्काइव बनेगी उसका नाम सेट कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेट सेट कर सकते हैं, कंप्रेशन मेथड, इसको मैं रिकमेंड करूंगा आप बेस्ट पे रखते हैं, और सारी आर्काइव्स के लिए जो इस मर्जी टाइप की आप बनाए, और डिक्शनरी साइज इसको डिफॉल्ट रहने दें जो ये डिफॉल्ट सेट है। ओके, बाकी जो ऑप्शंस हैं और वो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, जैसे सेट पासवर्ड वाला ऑप्शन, वॉल्यूम्स वाला ऑप्शन और प्रोफाइल वाला ऑप्शन, ये हम इनके रिस्पेक्टिव स्टेप में डिस्कस करेंगे। एक ऑप्शन जो हम इसी के साथ करेंगे वो ये है डिलीट फाइल्स आफ्टर आर्काइविंग। इसका मतलब ये है कि जब इसकी जिप फाइल बना दो तो जो ये फोल्डर है, क्योंकि मैं अभी फोल्डर की जिप फाइल बना रहा हूं, तो इस फोल्डर को डिलीट कर देना। अगर मैं कुछ ये दो फाइलें सिलेक्ट करके आर्काइव बनाता तो इसका मतलब होता है कि जिन फाइलों की मैं आर्काइव बना रहा हूं, आर्काइव जब सही तरह बन जाए तो उन फाइलों को डिलीट कर देना मेरे सिस्टम में। तो मैं इसको चेक कर दूंगा, अगर आप डिलीट नहीं करना चाहते तो इसको अनचेक ही रहने दें। ओके, और इसका मैं नाम चेंज कर दूंगा बस, एंड पे सिर्फ T1 लगा दूंगा फॉर टेस्ट वन। ओके, मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट को चेंज नहीं किया, आरआर को ही रहने दिया है। कंप्रेशन मेथड आप हर एक आर्काइव के लिए बेस्ट रख दें, अगर आप उनको डिलीट करना चाहते हैं तो इसको डिलीट फाइल्स आफ्टर आर्काइविंग करते हैं, नाम जो आपने सेट करना है उसको सेट करते हैं। ओके करें और आपके सामने वो फोल्डर डिलीट हो गया जैसे ही आर्काइव कंप्लीट हुई है, और ये एक आर्काइव आपके पास बन गई है। अब इसको मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा और बिल्कुल सेम तरीके के साथ एक जिप फाइल बनाऊंगा। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा जिप ऑप्शन के साथ कंटिन्यू करें, अंटिल अनलेस कि आपके पास कोई स्पेसिफिक रीजन हो आरएआर के साथ कंटिन्यू करने का, क्योंकि जैसे मैंने वीडियो में पहले बताया कि जिप ऑप्शन विंडोज में, लिनक्स में, मैकओएस में बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है, इसको बाय डिफॉल्ट एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। और अगर आप ये थोड़ा सा एडवांस जरा है डेवलपमेंट के रिलेटेड, कि अगर आप इसको किसी सी पैनल पे अपलोड करते हैं तो वहां पे आरएआर की फाइलें नहीं चलती, वहां पे सिर्फ जिप और काफी और जरा फॉर्मेट्स होती है, लेकिन मेनली जिप सेफ है। आप काइंडली जब भी किसी के साथ शेयर कर रहे हो तो जिप फाइल को शेयर करें, और हमारे कोर्सेज में भी जो मेन वीडियोस होंगी, लेक्चर सीरीज वगैरह, उनमें अगर मैं आपके साथ कोई कंटेंट या कोड वगैरह कोई चीज शेयर करूंगा और तो मेनली उसकी जो फॉर्मेट होगी वो जिप फाइल होगी, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको ये तरीका आना चाहिए और वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी होगी। अच्छा, हमने जिप कर लिया, यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि इसको प्लीज बेस्ट रखें ताकि कंप्रेशन मेथड जो भी इनका ऑल डिलीट आफ्टर, ये सब मैंने कर दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जिप बन गई। इस पॉइंट को हम चेक कर देते हैं कि हमने क्रिएट आर्काइव कर लिया। ओके, जैसे एक दफा फिर जिप को प्रेफर करें प्लीज जब किसी के साथ शेयर कर रहे हो, ताकि कम से कम मसला है। अब नेक्स्ट हम करते हैं पासवर्ड प्रोटेक्टेड। पासवर्ड प्रोटेक्टेड का क्या मतलब है कि यहां पे अगर मैं इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर करता हूं तो आपके सामने ये, इसने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा और इसका कंटेंट एक्सट्रैक्ट कर दिया। मैं इन दोनों फाइलों को डिलीट कर दूंगा और इसको फिर एड टू आर्काइव करूंगा। इस दफा मैं फिर इसको जिप सिलेक्ट करूंगा, डिलीट आफ्टर आर्काइविंग, इसको बेस्ट कर दूंगा, और यहां पे आप देख सकते हैं मुझे ये तीन काम बार बार करने पड़ गए। तो जब हम इस पॉइंट पे पहुंचेंगे कस्टम प्रोफाइल के पॉइंट पे तो ये काम हमारे ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो अभी कंटिन्यू करते हैं जरा थोड़ा सा, यहां से सेट पासवर्ड इस पे क्लिक करेंगे तो ये इसका कह लेंगे पासवर्ड मैनेजर है विनआरआर का। यहाँ पे अब बेसिकली इसी पॉइंट में हम ये, मैं नेक्स्ट पॉइंट को भी डिस्कस करने लगा हूं, सेट करने लगा हूं। पहले मैं एक दफा सेट करके दिखा देता हूँ फिर नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो आपने जो भी पासवर्ड रखना है, जैसे कि मैं रख देता हूँ Zions 123, दूसरे पासवर्ड वेरिफिकेशन में भी वही आएगा Zions 123 शो पासवर्ड। अगर आपने करके कंफर्म करना है कि गलत तो नहीं लिख दिया तो प्लीज कर लें, ये हो गया, इस ऑप्शन को करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पासवर्ड अपना सही, जो भी टाइप करना है उसको सही तरह टाइप करें, उसको कंफर्म करें और ओके कर दें। पासवर्ड सेट हो गया, अब मैं ओके करूंगा तो आपके सामने ये जिप फाइल बन गई है। इस दफा जब मैं इसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा तो ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा। ऑब्वियसली ये काफी अच्छा फीचर है, आप हर एक कॉन्टेंट इस तरह का नहीं होता कि जो किसी के साथ विदाउट एनी सिक्योरिटी शेयर किया जा सके, तो
उन केसेस के लिए आप यहाँ पे मैं वही पासवर्ड Zions 123 मैं शो करवा देता हूँ आपको, ये एंटर करूंगा, ओके करूंगा तो आपके सामने ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको अब मैं डिलीट करूंगा। नेक्स्ट जो बात है कि हर दफा आप पासवर्ड लिखें ये थोड़ा सा जो है कहने के टाइम टेकिंग टास्क है, और पासवर्ड फिर याद भी रखना सारी चीजें, तो उसका तरीकाकार यह है कि आप सेट पासवर्ड पे आएं, ऑर्गेनाइज पासवर्ड पे जाएं, और यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम जब आप करेंगे ना तो ये आपके पास अलर्ट आएगा और ये चेक्ड होगा डू नॉट शो अगेन। तो अगर आप ये मैसेज मतलब ना ही उस वक्त नहीं पढ़ना चाहते तो इसको अनचेक कर दें ताकि नेक्स्ट टाइम भी ये मैसेज आ जाए। एक दफा जो इस तरह के सिक्योरिटी अलर्ट्स होते हैं उनको काइंडली पढ़ लिया करें। मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जो पासवर्ड आप यहाँ पे मतलब पासवर्ड मैनेजर में सेट करेंगे ना, वो जिसको इस सिस्टम की एक्सेस होगी ना, मतलब जिसके पास इस सिस्टम का पासवर्ड वगैरह, वो जो पासवर्ड है ना उनको शो करके देख सकेगा कि कौन कौन से पासवर्ड स्टोर है। मैं आपको वो करके भी दिखा दूंगा उसका मतलब क्या है। तो उसकी सिक्योरिटी के लिए क्या कह रहा है कि एक मास्टर पासवर्ड, ये मास्टर पासवर्ड को सेट करें ताकि कि अगर किसी के पास सिस्टम की एक्सेस है भी तो जब तक उसको ये मास्टर पासवर्ड नहीं पता वो आपके जो WinRAR में स्टोर पासवर्ड्स हैं उनको ना देख सके। ठीक है, मैं पहले आपको एक पासवर्ड बना के दिखाऊंगा और मास्टर पासवर्ड को सेट नहीं करूंगा, आपको उसका मतलब समझ लग जाएगा, फिर मास्टर पासवर्ड को सेट करके वो दिखाऊंगा कि उसने क्या चेंज किया। ओके कर दूंगा मैं इसको मैं डोंट नॉट शो अगेन कर दूंगा ताकि ये शो ना करे। ओके, यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक करेंगे एक नया पासवर्ड ऐड करने के लिए, और ये पासवर्ड टैक्स मतलब जो पासवर्ड आप सेट करना चाहते हैं। तो ये मैं Zions 123 जो ये वो मीन के जो आर्काइव में आते वक्त जो पासवर्ड की वैल्यू सेट होगी ये वो है। उसके बाद पासवर्ड लेबल ये बेसिकली डिस्प्ले नेम इसका होगा जिसको देख के ताकि आपको याद आ सके कि अच्छा इस लेबल का मैंने ये पासवर्ड वैल्यू सेट की थी। तो मैं इसको Zions P फॉर पासवर्ड 1 कह देता हूँ और फिर मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये Zions P1 ऐड हो चुका है। मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा और अब यहाँ पे बेसिकली मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा आर्काइविंग विद पासवर्ड। यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन पे पहले लास्ट टाइम हमने यहाँ पे पासवर्ड लिखा था Zions 123, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं जो है क्लिक करके लेबल यहाँ पे शो हो रहा होगा उस पर क्लिक कर दूंगा, और यहां से ये लेबल सिलेक्ट करने से अब इसकी जो पासवर्ड वैल्यू होगी वो जो हमने पासवर्ड टेक्स्ट सेट किया था वो इसकी पासवर्ड वैल्यू सेट हो जाएगी। मैं यहाँ पे ओके करूंगा और इसको भी ओके कर दूंगा। आप देख सकते हैं वो फाइल बन गई है। इस दफा मैंने क्योंकि वो डिलीट वाला ऑप्शन नहीं सिलेक्ट किया तो ये डिलीट नहीं हुआ, मैं इसको मैनुअली डिलीट कर लूंगा और इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर करूंगा। ये मुझसे पासवर्ड पूछेगा। यहाँ पे भी अब आप ये लेबल पासवर्ड यूज कर सकते हैं, मीन के जो पासवर्ड क्योंकि हमने ऑर्गेनाइजर्स में सेव किया है तो ये पासवर्ड यहाँ पे भी शो करेगा। अब मैं इस फाइल पे राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट हियर करूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है। अब अगर तो आपने इसको किसी और के साथ शेयर किया तो ऑब्वियसली उसको जो पासवर्ड आपने उसको बताया है Zions 123 वो लिखना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि ये आपका सिस्टम है और आपने पासवर्ड ऑर्गेनाइज किए हुए हैं तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके Zions P1 ये उसी पासवर्ड का लेबल सिलेक्ट करेंगे जिसको यूज करते हुए आपने इसकी ये कंप्रेशन फाइल बनाई थी। तो मैं ओके करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू यूज करके इसको एक्सट्रैक्ट कर देगा। अब हम कंटिन्यू करेंगे मास्टर पासवर्ड के कॉन्सेप्ट से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैं राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर करता हूँ तो मुझे जो पासवर्ड्स मैंने ऑर्गेनाइज किए हैं मीन के इसमें स्टोर किए हैं मुझे वो एज इट इज एक्सेसिबल हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उस पासवर्ड को सिलेक्ट करता हूँ मीन के जिसको इस सिस्टम की एक्सेस होगी वो उन पासवर्ड्स को यूज कर सकता है। ओके करूंगा वो कंटेंट एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए कि किसी को भी ये जो ऑर्गेनाइज पासवर्ड हैं इनकी एक्सेस ना हो उसके लिए आप WinRAR में एक मास्टर पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए तरफ कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लूंगा, ओके करूंगा, कंटेंट एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और इस फाइल को मैं डिलीट कर दूंगा। अब इस फाइल को मैं आर्काइव करूंगा और इस दफा ये ऑप्शन करने के बाद मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज पासवर्ड में जाऊंगा और सेट मास्टर पासवर्ड कर दूंगा। यहाँ पे अब मैं एक पासवर्ड
बेसिकली मास्टर पासवर्ड सेट करूंगा। इसको भी मैं Zions 1234 कह देता हूं, ओके करूंगा और यहां से ओके कर दूंगा। अब बाकी प्रोसेस तो वैसे ही है कि ये पासवर्ड आप सिलेक्ट कर रहे हैं इस आर्काइव पे पासवर्ड सेट करने के लिए, तो मैं इसकी वैल्यू क्या थी Zions 1234, इसको मैं ओके करूंगा, यहां से ये सिलेक्टेड है, इसको मैं बेस्ट कर दूंगा और ओके करूंगा तो आर्काइव बन जाएगी। तो अब इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूजर के पास मास्टर पासवर्ड होना चाहिए। अगर आप इसको किसी और के साथ किसी और के सिस्टम पे शेयर करते हैं फिर तो सिर्फ और सिर्फ इस आर्काइव का पासवर्ड होना चाहिए। इस सिस्टम पे भी एक्सट्रैक्ट करने के लिए या तो आप इसका डायरेक्ट जो इस फाइल को बंडल करने के लिए जो पासवर्ड यूज किया है वो यूज कर सकते हैं, जो इस आर्काइव का पासवर्ड है जो कि Zions 123 था वो यूज कर लें, या फिर अगर आपने जो यहाँ पे पासवर्ड शो होते हैं एक्सट्रैक्ट में ड्रॉपडाउन में, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई पासवर्ड शो नहीं हो रहा। लास्ट टाइम जब हमने पासवर्ड मास्टर पासवर्ड सेट नहीं था किया तो हमें यहाँ पे Zions 1P1 शो हो रहा था, तो उसको शो करने के लिए आपने यहाँ पे मास्टर पासवर्ड एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे मास्टर पासवर्ड एंटर करूंगा जो था Zions 1234, ये एंटर करूंगा तो अब आप देख सकते हैं कि जो इस सिस्टम में स्टोर है वो पासवर्ड हमें शो हो रहे हैं। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इसकी वैल्यू क्या थी Zions 123, ओके। एक तरीका ये था हमें ताकि जो स्टोर पासवर्ड, ये तब बेनिफिशियल है जब आपने 5-6 पासवर्ड स्टोर किए ताकि आपको सारी याद ना रखने पड़े। दूसरा तरीका, अगर आप बेसिकली मास्टर पासवर्ड थोड़ा लंबा है और जो फाइल का पासवर्ड सेट किया है वो जरा छोटा है, यहाँ प्रेफर करते हैं कि मैं डायरेक्टली फाइल का पासवर्ड लिख लूं, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट फाइल का पासवर्ड भी लिख सकते हैं जो कि है 123। मास्टर पासवर्ड 1234 था, ये सिंपल फाइल का पासवर्ड है। इसको ओके करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये एक्सट्रैक्ट हो गया। इस फाइल को अब मैं डिलीट कर दूंगा। हमने इन पॉइंट्स को भी कवर कर लिया, पासवर्ड को सेट करना। पासवर्ड बेसिकली मैं आपको रिकमेंड करूंगा जब भी किसी के साथ कोई zip फाइल शेयर करें तो उस पर पासवर्ड एक पासवर्ड प्रोटेक्ट कर लें, अनटिल अनलेस के वो कंप्लीटली रैंडम डाटा है जिसको सिक्योर करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, तो आप उसको एज इट इज ही रहने दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। वॉल्यूम्स मीन एक बड़ी फाइल कई छोटी फाइलें बनाना ताकि शेयर करना या स्टोर करना आपके लिए आसान हो सके। यहाँ पे आते हैं, मेरे पास अभी बहुत बड़ी फाइल तो कोई नहीं है, ये एक फाइल बड़ी हुई है 34 MB की, तो हम इसका प्रोसेस पूरा सेम होगा, मैं इसके सिर्फ 4-4 MB के चंक्स बना दूंगा या वॉल्यूम्स कह लें आप। आर्काइव पे हम आएंगे, बाकी सेटिंग्स जैसे आपने करनी है वैसे कर लें, और यहाँ पे अब आपके पास ऑप्शन है स्प्लिट्स टू वॉल्यूम। मैं यहाँ से आप बेसिकली MB बाइट किलोबाइट MB और GB, मेनली मैं बेसिकली MBs या GBs को ही इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि किलोबाइट्स को इस्तेमाल करना सेंसिबल नहीं लगता। आप MB 100 MB की एक फाइल बनाने कोई इतनी मूविंग में इश्यू नहीं आता। ओके, अभी के लिए MB को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 4 प्रेस कर देंगे और ओके कर दूंगा, तो आप देखेंगे कि इसने उस एक 34 MB की फाइल के टोटल हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और मैं पूरे को अगर सिलेक्ट करूंगा तो आपके पास ओवरऑल 34 MB पूरे होंगे। मेन ये फाइल आपके पास होगी क्योंकि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से ये एक्सट्रैक्ट स्टार्ट करेगा और ये बाकी सारे इसके कह लें के चेन पॉइंट्स हैं, लीडिंग चेन पॉइंट्स, यहां से चेन स्टार्ट होगी। आगे ये 0 है, उसके बाद ये 1 को देखेगा, फिर ये 2 को देखेगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अगर इसमें से कोई एक फाइल मिस होगी तो ये बाकी सारी फाइल बेकार हो जाएंगी। ओके, मैं यहां पे इस पे मेन फाइल जो जिप है उस पे क्लिक करूंगा, मेन जो एक्सट्रैक्टेबल फाइल है, और यहां पे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर करूंगा, और यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक्चुअल जो सॉफ्टवेयर था वो वापस आ गया एज इट इज, ये इन स्मॉलर चंक्स में से। ओके, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। ओके, अगर जैसे कि मैंने कहा कि अगर इसमें से कोई चंक मिस हो जाएगा या मेन चंक या कोई और चंक, क्योंकि एक्सट्रैक्ट के लिए आपको ये मेन चंक चाहिए और प्रॉपर सक्सेसफुल एक्सट्रैक्शन के लिए सारे चंक्स चाहिए, तो अगर मैं यहां से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा तो वो मुझे एरर देगा,
क्योंकि ऑब्वियसली ये इसका स्टार्टिंग चेंज नहीं है ओके okay? और अगर मैं बीच में से कोई डिलीट भी कर दूंगा तो फिर भी ये मैंने लास्ट जो फाइल है उसको डिलीट कर दिया और अब एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा तो तब भी ये मुझे एरर दे देगा कि ये जो फाइल है नेक्स्ट जो फाइल, क्योंकि इसकी जो टोटल कितने वॉल्यूम्स है उनकी इन्फॉर्मेशन इस मेन फाइल में है और एक्सट्रैक्ट करने की वो सारी इन्फॉर्मेशन पासवर्ड वगैरह इस मेन फाइल में है। अब इसको पता है कि मुझे जो पार्ट ए है वो चाहिए, मैं यहाँ पे आके कंट्रोल जी करूंगा उस फाइल को वापस लाने के लिए, ये वापस आ गई और यहाँ पे ओके करूंगा तो ये एक्सट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा ओके। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा जब आप वॉल्यूम्स बनाए। ये पॉइंट भी खत्म हो गया, हम अपनी वीडियो के लास्ट पॉइंट पे हैं। आप कंटिन्यू करते हैं प्रोफाइल से। और इससे हमारा जो WinRAR का बीन के जो लेक्चर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और जो कंसेप्ट है वो भी काफी क्लियर हो जाएगा और जो आर्काइविंग का प्रोसेस है वो भी बड़ा आसान हो जाएगा। तो क्योंकि आपने देखा कि थ्रू आउट मुझे कुछ सेटिंग्स थी जो बार बार सेट करनी पड़ी, तो जब मैं कस्टम प्रोफाइल बना दूंगा तो वो जो काम होगा मेरे लिए काफी आसान हो जाएगा। मैं अब राइट क्लिक करूंगा एड टू आर्काइव। अब सबसे पहले मैंने जो जो सेटिंग सेट करनी है मैं वो सेट कर लूंगा, जैसे कि मैंने जिप बनानी होती है, मैं फाइल्स को बाद में डिलीट। अगर प्लीज इस ऑप्शन को तभी चेक करें जब आप एक्चुअली फाइल्स को डिलीट करना चाहते हैं जबकि आर्काइव कंप्लीट हो जाए। यहां से बेस्ट, इसको अनटिल अनलेस के मेरी कोई बहुत बड़ी फाइल हो इसको मैं नहीं सिलेक्ट करता, कम अज कम मैं 1 GB का चंक बनाता हूं ताकि शेयरिंग अपलोडिंग वगैरह मीन के आसान रहे, ज्यादा मुझे चंक्स अपलोड ना करने पड़े। और लास्टली एक पासवर्ड, ये बेसिकली यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये मुझसे पहले मास्टर पासवर्ड पूछ रहा है तो वो हमारा था Zions 1234। एंटर मैं करूंगा तो अब ये मुझे पासवर्ड अवेलेबल, मैंने वो किया ओके किया, सेटिंग्स मेरी कंप्लीट हो गई है, मैंने यही सेटिंग करनी थी और मेनली मैं अभी तक मुझे बहुत देर हो गई इसको यूज करते हुए, मेनली सब ये यूज करता हूँ। जिप अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट आफ्टर कंप्रेशन मेथड गुड और सेट अप पासवर्ड, इसको किया। अब मैं ओके के बजाय प्रोफाइल्स पे क्लिक करूंगा एंड सेव करंट सेटिंग टू अ न्यू प्रोफाइल, इसको करके यहाँ पे ये देखें अनलेस द मास्टर पासवर्ड इज सेट पासवर्ड स्टोर्ड इन कंप्रेशन प्रोफाइल आर नॉट इनक्रिप्टेड सिक्योरली, ये बेसिकली हमें वही कह रहा है। यहाँ पे सेव एनीवे करेंगे और Zions प्रोफाइल 1 कह देंगे इसको, P1 क्योंकि मैंने पासवर्ड के लिए किया हुआ इसलिए मैं वो नहीं कर रहा। यहां से मैं ये प्रोफाइल बना लूंगा, प्रोफाइल नेम सेट करूंगा और यहाँ पे मैं ये ऑप्शन भी चेक कर दूंगा सेट प्रोफाइल एज डिफॉल्ट, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं आर्काइव बना रहा हूं तो ये जो सेटिंग जो मैंने सेट की है जिप बेस्ट कंप्रेशन डिलीट आफ्टर भी ऑटोमेटिकली मेरे लिए चेक हो जाए। और अगर आप चाहें तो इसको एड टू कॉन्टेक्स्ट मेन्यू भी कर देते हैं सकते हैं, इसको भी मैं चेक कर दूंगा और इसका मैं आपको बता दूंगा कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके करें और यहाँ पे ये ओके हो गया, इसको मैं यहाँ पे ओके करूंगा तो ये जिप तो बन गई है, लेकिन सबसे पहले राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसको मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा ये मुझसे पासवर्ड, मैं डायरेक्ट अभी जो इंक्रिप्शन का पासवर्ड है वो यूज करूंगा, मास्टर पासवर्ड यूज नहीं करूंगा, Zions 1 2 3 ये डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। और अब यहाँ पे क्लिक करके जब मैं राइट क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये मुझे वो जो मैंने अभी प्रोफाइल बनाई है उसका ऑप्शन दे रहा है, मैं इस पर क्लिक करूंगा ना तो ये आप देख सकते हैं कि मेरी सेटिंग जो है वो पहले से ही सेट है सारी। ओके ओके किया मैंने, अब इसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे ये उसका पासवर्ड भी पूछेगा क्योंकि हमने पासवर्ड भी जब सेटिंग कर रहे थे तो उसको सेट किया था। तो ये तरीका था विंडोज में WinRAR को इंस्टॉल करने का, उसमें आर्काइव उसको यूज करते हुए आर्काइव्स को एक्सट्रैक्ट करने का, उसमें न्यू आर्काइव और .rar की टाइप की और .zip की टाइप की बनाने का, आर्काइव पे पासवर्ड सेट करने का और एक कस्टम प्रोफाइल बनाने का ताकि जब आप zip फाइल्स बना रहे हो तो आपको सेम सेटिंग हर दफा सेट ना करनी पड़े। तो हम यहाँ पे पावर पॉइंट में आके इन पॉइंट्स को भी चेक कर देंगे, ये भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं और इसी के साथ हमारा WinRAR का सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। मैं इसको भी क्लोज कर दूंगा और यहाँ पे इसको यस कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम VLC के मतलब जानेंगे कि VLC क्या है और उसको किस तरह हम यूज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए, और इस चीज को भी मैं क्लोज कर दूंगा।
ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.